हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी सेकंड ईयर के लिए, जिसमें हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर है और कल हमने इसमें स्टार्ट की थी हमारी फर्स्ट यूनिट एल्कोहल एंड फिनॉल। तो एल्कोहल के बारे में हम इसमें कल डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा एल्कोहल क्या होता है और उसका क्लासिफिकेशन। तो हमने क्लासिफिकेशन के पार्ट्स बताए थे, आपको बताया था कि कैसे पहचान सकते हैं आप, और उसके पार्ट्स के भी हमने क्या पढ़े थे, पार्ट्स। जैसे हमने दो पार्ट्स पढ़े थे, किसके बेसिस पर, OH ग्रुप के बेसिस पर। उसके बेसिस पर हम उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते थे, कौन कौन सा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डायहाइड्रिक एल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। और सेकेंड पार्ट था इसमें हमारा कि कार्बन एटम की नेचर के बेसिस पर, मतलब कि उसमें कि हमारा कार्बन एटम प्राइमरी पोजिशन पर है, सेकेंडरी पोजिशन पर है, या फिर हमारी कैसी पोजिशन पर है, टर्सरी पोजिशन पर है। और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे एल्कोहल की प्रिपरेशन के बारे में, यानी कि किस किस मेथड से हम एल्कोहल बना सकते हैं। तो आज इसमें क्या टॉपिक होने वाला है हमारा, मेन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले आप इसको बहुत ही इजी मेथड से बनाएंगे। सबसे इजी मेथड कौन सा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्कोहल बहुत ही इजीली बनाई जा सकती है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप सभी जानते हैं क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है हमारा RMGX। R क्या है इसमें, हमारा एल्काइल ग्रुप है, कोई सा भी ग्रुप ले सकते हैं, और X क्या है यहाँ पर, हमारा कोई भी हेलोजन ले सकते हैं। तो RMGX को क्या माना जाता है कि ये हमारा क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराएंगे, किस किस से करा सकते हो, एल्डिहाइड, कीटोन, फॉर्मेल्डिहाइड, इनके रिएक्शन जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ईथर की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं, तब हमारा क्या बन जाता है, हमारा मेन प्रोडक्ट बन जाता है, जो हमें क्या बनाना है, एल्कोहल बनाना है, और वही हमारा इससे क्या होता है, फॉर्म होता है। तो फर्स्ट मैथड ऑफ प्रिपरेशन क्या आएगा यहाँ से, हमारा फर्स्ट मैथड ऑफ प्रिपरेशन आएगा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शंस आपने 12th में भी की होंगी, काफी सारी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बेसिस पर होती है हमारी। तो इसमें देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सबसे पहले रिएक्शन हम किसके साथ करें, सबसे पहले हम रिएक्शन इसमें कर लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। किसके साथ करेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड हमारा क्या होता है, HCHO, क्या होता है, HCHO, ये होता है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। HCHO की रिएक्शन हम किससे कराएंगे, हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराएंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है हमारा, RMGX। किसकी प्रेजेंस लेंगे, ईथर की प्रेजेंस। अब देखो इसमें ईथर की प्रेजेंस क्यों लेते हैं, हम इसके बारे में भी बताएंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले रिएक्शन देखो, आप सभी को आती भी होगी, जिसको नहीं आती वो ध्यान से देखना कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरह से रिएक्ट करता है। ये हो गया हमारा फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें हमने क्या दिखा दिया, बॉन्डिंग दिखा दी है। अब यहाँ पे देखो हमारे बॉन्ड्स डिसोसिएट होंगे, कौन कौन से बॉन्ड्स डिसोसिएट होंगे, यहाँ पर हमारा ये एल्काइल वाला ग्रुप अलग जाएगा और इसमें हमारा ऑक्सीजन वाला लग जाएगा। किस तरीके से जाएगा, देखो हमने क्या किया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, ऑक्सीजन हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है H की कंपैरिजन में। तो इसमें क्या होगा कि हमारे बॉन्ड जो होगा ऑक्सीजन की तरफ डिसोसिएट होगा, तो यहां से ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, H कैसा होगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब क्या करेंगे, ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट करेंगे, किसकी तरफ डिसोसिएट करोगे, R की तरफ हमारा बॉन्ड डिसोसिएट होगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, R पार्शियल पॉजिटिव और Mg पार्शियली नेगेटिव। अब यहां पर आप एक बात ध्यान से देखना कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये जुड़ जाएगा, यहां पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा। देखो कैसे जुड़ेगा, किस तरह से जुड़ेगा, ये हमारा H C
एच, या फिर आप क्या लिख सकते हो इसको सी एच टू भी लिख सकते हो. क्या लिख सकते हो? सी एच टू. हमने क्या कर दिए, ये दोनों एच को कंबाइन कर दिए. इसके पास देखो ये कैसा है, पॉजिटिव है. पॉजिटिव है तो इसके पास कैसा ग्रुप जुड़ेगा बेटा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव. तो इसके पास कौन सा ग्रुप जुड़ेगा, एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा. किस पर? कार्बन एटम पर. तो यहां से क्या हो गया, हमने एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया. अब ये क्या बचा, ऑक्सीजन. देखो यहाँ पे क्या थे, डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड कर दिया ब्रेक. यहां से क्या बचा, सिंगल बॉन्ड बचा. तो सिंगल बॉन्ड कहाँ आएगा हमारा, इधर आएगा सिंगल बॉन्ड. और इस बॉन्ड के साथ कौन जुड़ेगा, हमारा पॉजिटिव पार्ट. पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, MgX पॉजिटिव पार्ट है. तो MgX कहाँ जुड़ जाएगा, MgX हमारे ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा. ये आ गया हमारा M, ये G और ये आ गया X. अब यहां पर ध्यान से देखना कि ये हमारा कंपाउंड कैसा है. देखो इसको ध्यान से कि ये कंपाउंड स्टेबल है या अनस्टेबल है, बताओ. देखो खुद ही देख के बताओ, यहां पर ये हमारा कंपाउंड कैसा है, अनस्टेबल कंपाउंड है. कैसा है, अनस्टेबल कंपाउंड है. तो ये कंपाउंड जब अनस्टेबल है तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको स्टेबल बनाने के लिए, इसको स्टेबल बनाने के लिए हम इसका क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे. यानी कि इसमें क्या कर देंगे, वाटर मिला देंगे. वाटर क्या होता है, वाटर क्या होता है, H2O होता है वाटर. आयंस बनाओगे तो कैसे बनेंगे, H प्लस OH माइनस में आयंस ब्रेक होंगे. तो यहां से कैसे होगा, H पार्शियल पॉजिटिव और OH पार्शियल नेगेटिव. इस तरीके से तो आयंस बनते हैं इसमें. अब यहां पर देखो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा हमारा. यहां से कहां से होगा बॉन्ड ब्रेक होगा, हमारा ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेक होगा. जब ये ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां पर हमारे H और OH किस तरफ जाएंगे, H और OH किस तरफ जाएंगे. देखो इसमें हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर आप इसको क्या कर सकते हो, इस बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हो. जब इलेक्ट्रॉन इस पर जाएंगे, ये वाला कैसा बनेगा, पार्शियल नेगेटिव, ये वाला बनेगा पार्शियल पॉजिटिव. ये वाला बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक. और यहां पर हमने क्या मिलाया, वाटर. वाटर को क्या कर लिया, आयंस में ब्रेक कर लिया. आयंस में ब्रेक करने के बाद नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ, यही होना है. H वाला कहां जाएगा, O के साथ. OH कहां जाएगा, CH2 के साथ. देखो हम क्या कर लेते हैं इसको, RCH2. ये वाला पार्ट तो हमने ऐसे ही रखा है, इसमें भी कोई चेंज नहीं किया है, हमने सिर्फ ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया है. देखो इस पे पॉजिटिव है, क्या जुड़ेगा इसके साथ आके, OH जुड़ेगा. क्या जुड़ेगा, OH. और इसी तरीके से ये वाला पार्ट हमारा अलग हो गया. यहाँ पर क्या है, हमारा O है. इस वाले O के साथ कौन जुड़ेगा बेटा, H जुड़ेगा. क्या जुड़ेगा, H. और यहाँ पर आ गया हमारा क्या, Mg. और ये क्या आ गया हमारा, X. तो यहाँ से क्या बन गया, यहाँ पे बन गया हमारा RCH2OH. क्या ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है. प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है, देखकर बताइए इसमें कौन सा अल्कोहल है. ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है. कैसा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है. क्लियर है इतना, इसको नोट कीजिए. फिर इसमें ईथर क्यों लिया इस प्रेजेंस में, इसके बारे में बताएंगे. नोट कीजिए इसको. तो देखो अब इसमें आगे ईथर क्यों लेते हैं, ईथर की प्रेजेंस इसमें इसलिए लेते हैं ताकि इसमें ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या कर सके. देखो ईथर का प्रेजेंस इसलिए ली जाती है ताकि ग्रिगनार्ड रिएजेंट जो होता है क्या, आर एम जी एक्स, ये एल्केन ना बनाए साइड प्रोडक्ट के रूप में. हमें क्या बनाना है, मेन हमें बनाना है एल्कोहल. जो कैसी होनी चाहिए, प्योर एल्कोहल होनी चाहिए. प्योर एल्कोहल जो होती है, प्योर एल्कोहल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ईथर मिलाना पड़ेगा. अब आप ये तो बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे, दिमाग में आ रही होगी ये बात कि मैम ने ये बता दिया कि ईथर मिला के हमें क्या होगा, एल्केन साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं बनेगा. लेकिन इसमें ऐसी क्या चीज है जो एल्कोहल को साइड प्रोडक्ट में बना देती है, ईथर ना मिलाएं अगर. देखो जो हमारा ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता है इसमें क्या होता है, मॉइस्चर. मॉइस्चर जानते हो क्या होता है, नमी होती है. इसमें मॉइस्चर होता है और इसी मॉइस्चर की वजह से इसमें क्या होता है, एल्केन साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में बन जाता है. तो ईथर को मिलाने का मेन रीजन समझ में आ गया कि इसमें किसमें बेटा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट में. किसके बारे में बात कर रहे हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट की बात कर रहे हैं. इसमें मॉइस्चर होता है और ये ईथर एल्केन को साइड प्रोडक्ट में बनाने की पॉसिबिलिटी को घटा देता है. समझ आया इतनी बात. इसमें ईथर सिर्फ इसी वजह से मिलाया जाता है. देखो एक फॉर्मेल्डिहाइड वाली रिएक्शन हम इसमें कर चुके हैं. सेकेंड रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, इसमें फॉर्मेल्डिहाइड कर दी, एल्डिहाइड कर सकते हो, कीटोन कर सकते हो. इसमें बता दूंगी मैं आपको. तो इसमें
जैसे RMGS लिया था ना हमने, इसमें R की जगह पर आप कोई भी ग्रुप ले सकते हो। R की जगह पे एक ग्रुप लेके रख के देखना, किसमें फॉर्मेल्डिहाइड वाली रिएक्शन में क्या रखोगे, CH3 CH2 MG, और X की जगह पर आप क्या रख सकते हो, FCl BRI कुछ भी रख सकते हो, Cl रख लेना। इसको करके देखना बेटा, रिएक्शन जब तक आप खुद से नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे अलग अलग ग्रुप लेके, तब तक आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। ठीक है, इसमें मैं आपको ये बात बता देती हूँ, इसके लिए भी आगे के लिए भी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि जो भी मैं रिएक्शन आपको कराऊंगी, आपको एक बार अलग से ग्रुप लेके करनी है। इससे आपको चीजें और अच्छे से क्या हो जाएंगी, पक्की हो जाएंगी। आगे देखो, नेक्स्ट रिएक्शन किससे करोगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कर लो, किससे, एल्डिहाइड से कर लो। किससे कर सकते हो, एल्डिहाइड से कर सकते हो। एल्डिहाइड क्या होता है बताओ, क्या होता है, यही होता है ना एल्डिहाइड हमारा। अरे किस किस को पता है एल्डिहाइड ये होता है बताओ, सबको पता होनी चाहिए, बहुत ही कॉमन सी चीज है। एल्डिहाइड की रिएक्शन कराओ, किससे कराओगे बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है हमारा, RMGX, यही होता है ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब क्या करोगे, इसकी रिएक्शन करोगे किसकी प्रेजेंस में, ईथर की प्रेजेंस में। प्रेजेंस क्यों लेते हैं बता दिया है आपको, देख सकते हैं आप इसमें, देखो एज इट इज होगी रिएक्शन, जैसे पहले हुई थी ना बिल्कुल वैसे। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा इधर को, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा इधर को, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव, ये आएगा। और फिर उसके बाद क्या होंगे, अपोजिट साइन वाले एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। RCH ये वाला ग्रुप, इसके साथ कौन जाएगा हमारा, एल्काइल ग्रुप जाएगा, बचा क्या, ओ इसके साथ क्या जाएगा, MgX। फिर इसके बाद क्या करोगे, इसमें इस अनस्टेबल कंपाउंड को स्टेबल करने के लिए वाटर मिलाओगे, वाटर को आयंस में ब्रेक करोगे, H+ और OH- में, इसमें आयंस में ब्रेक हो गया, बॉन्ड डिसोसिएट होगा, ये वाला पार्शियल माइनस बनेगा, ये वाला पार्शियल प्लस बनेगा। क्यों, क्योंकि बेटा ऑक्सीजन H की कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड डिसोसिएट किधर को होगा, ऑक्सीजन की साइड को होगा। क्लियर है, अब H कहाँ जाएगा हमारा, H जाएगा O के साथ और OH जाएगा इसके साथ। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हमारा प्रोडक्ट बनेगा। बेटा बताना देख के कैसा प्रोडक्ट है, ये कैसी अल्कोहल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, ध्यान से देखना और तब जवाब देना, गलती नहीं करनी है कहीं भी, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ये बेटा हमारा बना सेकेंडरी अल्कोहल, कैसा बना है, यहां से सेकेंडरी अल्कोहल, यानी कि इस वाले कार्बन से देखो दो ग्रुप जुड़े हुए हैं ना, तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। क्लियर है, नोट करो। अब देखो बेटा, मैंने ये OH और X इस तरह से लिख दिए, इसमें आप सबके मन में एक ये सवाल भी आ गया होगा कि ये इस तरीके से क्यों लिखे, पहले ऐसे क्यों लिख सकते, जैसे फर्स्ट रिएक्शन में किया ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे इसमें किया ऐसे भी लिख सकते हो, नोट कीजिए। फिर एक इसमें आता है कीटोन, कीटोन ग्रुप होता है बेटा ये, इसके साथ RMGX की रिएक्शन करोगे आप, और ये आपका होमवर्क है। क्या है ये, आपका होमवर्क है, बहुत इजीली कर सकते हो, जैसे ये रिएक्शन की है ऐसे ही होंगी, नोट कीजिए। फिर सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, यानी सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ, नोट कीजिए इसको। अच्छा बेटा, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर आप इपॉक्साइड से करते हो ना, तो भी आप अल्कोहल बना सकते हो। इपॉक्साइड क्या होता है हमारा, इपॉक्साइड बोल सकते हो इसको, ऑक्सीरेन बोल सकते हो, इथाइलीन ऑक्साइड बोल सकते हो। इपॉक्साइड क्या होता है हमारा, ये होता है एपॉक्साइड। इसकी रिएक्शन जब आप किसके साथ कराओगे ना, RMGX के साथ, तभी रिएक्शन हमारी ऐसे ही होगी। बस आपको क्या करना है, चेन ब्रेक करनी है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर लीजिए, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये खुल जाएगी, क्या खुल जाएगी, ये वाली चेन खुल जाएगी। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला नेगेटिव होगा और ये वाला पॉजिटिव होगा, इधर को बॉन्ड ब्रेक करोगे ये नेगेटिव, ये वाला क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। किसकी प्रेजेंस लोगे, इसमें भी हमें किसकी प्रेजेंस लेनी है, ईथर के साथ। याद रखना, ग्रिग्नार्ड के साथ हमेशा ईथर की प्रेजेंस ही ली जाती है, किसकी प्रेजेंस, ईथर की प्रेजेंस ली जाती है। क्लियर है, देखो आप पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ, तो यहां से क्या हो जाएगा, CH2, यहां पर अल्काइल ग्रुप, ये CH2 O
एम जी एक्स, इसके आगे से आप रिएक्शन कर सकते हो। इसमें बस क्या मिलाना है, वाटर मिलाना है, क्या मिलाना है, एच टू ओ मिलाना है, और एच टू ओ मिलाने के बाद आप इतने स्मार्ट हो गए हो कि आप रिएक्शन खुद कर सकते हो। ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना, आयंस बनाना, और यहाँ से क्या बनेगा बेटा, एल्कोहल बनेगा। कैसा एल्कोहल बनेगा, प्राइमरी एल्कोहल बनेगा। एक्स की जगह पर आप कोई भी हेलोजन ग्रुप ले सकते हो, नोट करिए इसको। सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं फिर। देखो सेकंड पॉइंट या सेकंड प्रिपरेशन का मेथड एल्कीन से भी आप बना सकते हो, यानी कि जिसमें हमारा क्या आना चाहिए, डबल बॉन्ड आना चाहिए। इसमें कैसे बनाओगे आप, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको हाइड्रोलिसिस करना है। अरे वो तो हमारी हेडिंग में भी लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है, एल्कीन्स का हाइड्रोलिसिस करना है, लेकिन कैसे करेंगे, मेन पॉइंट तो ये है ना। इसको करने के लिए आपको क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है। फिर वही बात, इसमें आपको वाटर मिलाना है एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम, आप कोई भी एसिडिक मीडियम ले सकते हो, जैसे एच प्लस भी ले सकते हो आप, वो क्या करता है, एसिडिक मीडियम का वर्क करता है। क्लियर है, देखो कैसे करोगे एल्कीन्स की रिएक्शन। और एक मेन बात, इससे आप तीनों तरह की अल्कोहल बना सकते हो। तीनों तरह की अल्कोहल कैसे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, यानी कि तीनों टाइप की बना सकते हो। क्या करोगे, एल्कीन लोगे, इसमें क्या करोगे, वाटर मिलाओगे, किसकी प्रेजेंस लोगे, एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस लोगे, यहां पर क्या करोगे, आयंस बनाओगे, क्या हो गए, आयंस बनाओगे, एच प्लस ओ एच माइनस, फिर क्या करोगे, बॉन्ड ब्रेक। अब देखो किधर को भी कर सकते हो, उधर को भी कर सकते हो, उधर को भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों तरफ कैसे है, सेम ग्रुप है। यहाँ पर क्या करोगे, ये वाला क्या बनेगा, नेगेटिव, और ये वाला क्या बनेगा, पॉजिटिव। जोड़ दो, कैसे जोड़ोगे, अरे बहुत ही इजी है बेटा। इसमें क्या करोगे, ओ एच इधर जुड़ जाएगा, एच इधर जुड़ जाएगा, यहां से क्या बन जाएगा, इस तरीके से बनेगा ये। या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, पलट के भी लिख सकते हो। कैसे पलट के लिखोगे, CH3CH2OH, ये क्या बन गया बेटा, प्राइमरी अल्कोहल बना है ना, ये प्राइमरी अल्कोहल बन गया। सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनाओगे, सेकेंडरी अल्कोहल बनाने के लिए देखो ध्यान से कैसे बनेगा, CH3, बस आपको ग्रुप चेंज करने हैं, पूरा प्रोसेस यही रहने वाला है, बस ग्रुप चेंज करने हैं आपको। जैसे हमने यहाँ पर ये ग्रुप लिया है, अब क्या करेंगे, दूसरा ग्रुप ले लेंगे, दूसरा कंपाउंड ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड, पानी मिला दो, पानी मिलाओगे तो क्या होगा, यहां से क्या होगा, एच पार्शियल पॉजिटिव। अब देखो ये वाली रिएक्शंस जो होती है ना, मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करती है। मार्कोनिकोव रूल आप सभी जानते हैं, मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करके ही इसमें एच और ओ एच की पोजिशन हम क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। अब ये जो पहले वाला हमने कंपाउंड लिया था, इसको तो आप ऐसे भी बता सकते थे कि इसमें कोई सा भी कहीं को भी ब्रेक कर लो, क्योंकि दोनों तरफ एच की नंबर क्या है, इक्वल दिए हुए हैं। लेकिन इसमें कैसे करोगे, इधर 2 है और इधर 1 है, किस तरह से करोगे बेटा। इसमें जो हमारे ये ग्रुप जुड़ते हैं ना, वो हमारे जुड़ते हैं किसकी हेल्प से, जुड़ते हैं वो हमारे मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करके जुड़ते हैं। और मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग हमारा जिस पर ज्यादा होगा उस पर हमारे क्या होंगे, एच जुड़ जाएंगे, और जिस पर कम होगा उसके पास क्या होगा, एक ओएच जुड़ जाएगा। इस तरीके से आयंस में ब्रेक करोगे ना, तो यहां से क्या हो जाएगा, CH3, यहां से CH OH, और यहाँ क्या आ जाएगा, CH3। अब यहाँ पर देखो ये कैसा हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल बन गई। कैसी बन गई है, सेकेंडरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल भी बना सकते हो आप, मैं कंपाउंड देती हूँ, और ये होगा आपका होमवर्क। क्या होगा, होमवर्क बेटा, मैं आपको इसलिए दे रही हूँ करने के लिए ताकि आपको कहीं भी कोई भी डाउट ना रहे। अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं तो हम क्लियर करते हैं उनको साथ के साथ। चलिए यहाँ आ जाएगा CH3, और फिर इधर क्या कर लेते हैं, इधर हमारा कर लेते हैं डबल बॉन्ड CH2, इसमें वाटर मिलाओ बेटा, ये आपका होमवर्क है। किसकी प्रेजेंस लोगे, एच पॉजिटिव की प्रेजेंस लोगे। क्लियर है, नोट करिए फटाफट। देखो थर्ड रिएक्शन कौन सी है,
रिडक्शन करना है इस बार। किसका रिडक्शन करोगे बेटा? कार्बोनिल कंपाउंड्स का। कार्बोनिल कंपाउंड जैसे हमारे एल्डिहाइड कीटोन होते हैं, जब आप एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करोगे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से अल्कोहल बना सकते हो। कैसे बनेगी अल्कोहल? इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करना है। रिडक्शन कैसे होता है? एच लेके होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में क्या करना है, रिडक्शन। उससे आप क्या कर सकते हो, अल्कोहल बना सकते हो। कैसे बनाओगे अल्कोहल? बट आपको थ्योरी लिखने की इसमें ज्यादा जरूरत नहीं है। थ्योरी लिखने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारी मेन होती है ना, वो रिएक्शन होती है। अगर आप एग्जाम में सिर्फ रिएक्शन लिखकर आओगे ना, तो भी आपका काम चल जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप क्या करोगे बस, अगर ये जो मेथड होता है कि सिर्फ रिएक्शन करो और अपना काम खत्म कर दिया आपने, ये होता है जब जब आपके पास टाइम कम हो। ये ज्यादातर क्या आते हैं, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो ये अगर आपके पास टाइम कम हो आप तब कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप बेहतर होगा कि इसमें आप लिख सको। अब आप इसमें लिखने के लिए अपनी तरफ से लिख सकते हो कि अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन या अपचयन किसी अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट, अपचायक एजेंट की प्रेजेंस में कराते हो, तो आप अल्कोहल प्राप्त कर सकते हो। क्लियर है इतना? देखो, एल्डिहाइड ले लो। एल्डिहाइड से बेटा मैं बता देती हूँ, एल्डिहाइड से बनेगा प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन से बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल। क्या करोगे, आपको क्या करना है, रिडक्शन करना है। कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हो, मैं आपको बता देती हूँ। NI होता है, एक हमारा क्या होता है NA अल्कोहलिक होता है, और एक PD+VASO4, ये हमारे क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। निकिल ले लेते हैं, निकिल क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसमें क्या होगा, इसमें एक एच इधर चला जाएगा, एक एच इधर चला जाएगा। क्या होगा, एक एच इधर और एक एच उधर, बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहां से क्या बन जाएगा, CH2OH, क्या बन जाएगा, CH2OH। इसी तरीके से क्या कर सकते हो, कीटोन के साथ बना सकते हो। कीटोन हमारा क्या होता है, ये होता है। इसमें आप क्या करोगे, PD+BSO4 भी ले सकते हो आप। यहाँ से क्या बन गया, ये अल्कोहल बन गया। कैसा बना बेटा, फर्स्ट देखो प्राइमरी अल्कोहल, और ये कौन सा बना, सेकेंडरी अल्कोहल। क्या बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल। अब देखो, अगर इसमें पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, साइड हो गई हूँ मैं, स्क्रीनशॉट लो इसका। देखो, इसमें अगर आप इसी रिएक्शन में अगर आप क्या करते हो, इसी रिएक्शन में अगर आप एस्टर का रिडक्शन करते हो, इसमें हमने क्या लिया था, कार्बोनिल कंपाउंड। इसी रिएक्शन से मतलब है मेरा, अगर आप रिडक्शन करते हो किसका, एस्टर का रिडक्शन करते हो, और किसी रिड्यूसिंग एजेंट, कोई सा भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, अगर आप इसमें एक फिक्स क्या अल्कोहलिक, क्या अल्कोहलिक ले सकते हो, NA अल्कोहलिक। इस रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में अगर आप एस्टर का रिडक्शन करते हो तो आप क्या बनाओगे, अल्कोहल बनाओगे। अब ये तो पता है बेटा, इस रिएक्शन का एक नाम है बुओ ब्लांक रिएक्शन। क्या है, बुओ ब्लांक रिएक्शन। फटाफट से नोट कीजिए इसको, फिर रिएक्शन करते हैं। देखो रिएक्शन, एस्टर क्या होता है हमारा, एस्टर में बीच में COO ग्रुप जुड़ा होता है। ये हमारा क्या होता है बेटा, ये होता है एस्टर। क्या होता है, एस्टर। इसमें क्या करोगे आप, इसको करने के देखो दो तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं इसको करने के, एक तरीका तो है इसमें हमारा ये कि अगर आप क्या करो, इसका रिडक्शन ज्यादा मात्रा में एच लेके करा दो, या फिर दूसरा तरीका है थोड़ी थोड़ी मात्रा में एच मिला दो। अब देखो, अगर आप क्या करते हो, सब्जी बनाते हो, इसमें आप क्या करते हो, कोई कोई क्या करता है, एक बार नापता है चम्मच से कितना नमक इस सब्जी में काफी होगा, उसमें डाल देता है। या फिर दूसरा तरीका क्या है, थोड़ा सा डालो फिर चेक करो कि ज्यादा तो नहीं हो गया, कम है या ज्यादा है, फिर उसके से और डाल दो। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन में करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले ज्यादा नमक डाल देंगे, एक साथ सब्जी बना लेंगे बिना किसी झंझट के, ये रिस्क लेके कि इसमें नमक ज्यादा ना हो जाए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो यहां पर क्या करोगे, एक्सेस में एच लोगे, किसकी प्रेजेंस लोगे, अल्कोहलिक सॉल्यूशन लोगे, सोडियम का, या NA अल्कोहलिक आप उसको बोल सकते हो। इसके बाद क्या होगा बेटा, इसके बाद यहां से ध्यान से देखना, यहां से क्या होगा, यहां पे हमारे अल्कोहल बनेगी। कैसे अल्कोहल बन गई है, अरे कैसे बन गई है, हमने तो यहां पर क्या देखा था, यहां पर हमारे क्या है, ये वाले ग्रुप दिया हुआ है, इससे हमने क्या कर दिया, अल्कोहल बना दिया। कैसे बना ये, देखो जब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके नमक मिलाएंगे तब आपको पता चलेगा। देखो कैसे होता है ये, फर्स्ट उसमें देख लो,
या स्टेप दो आप इसको बोल सकते हो। यहाँ पे क्या है हमारा CH3, यहाँ पर क्या है बॉन्ड्स को खोल लीजिए। बॉन्ड्स किस तरीके से खुलेंगे, यहाँ पर हमारे बॉन्ड्स इस तरीके से खुलेंगे ओ, यहाँ पर क्या आ जाएगा C2H5, और यहाँ पर क्या है हमारे 2H लिए हमने पहले। किसकी प्रेजेंस लोगे बेटा, एल्कोहलिक सॉल्यूशन लोगे Na का, एल्कोहलिक सॉल्यूशन लोगे Na का। अब इसमें आगे देखो क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएट होगा। कौन सा बॉन्ड डिसोसिएट होगा आप अच्छे से जानते हैं, डबल बॉन्ड डिसोसिएट होगा, और हमारा AH यहाँ जुड़ेगा और AH हमारा कहाँ जुड़ेगा, इधर जुड़ जाएगा। देखो ये वाला यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा CH3, और दूसरा हमारा क्या बनेगा C2H5OH। अब देखो ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, देखो यहाँ पर ये देखो ये वाला बॉन्ड तो हमारा क्या है, ये वाला बॉन्ड तो हमारा अलग है, ये वाला बॉन्ड हमारा अलग है। जब H हमारे क्या बनेंगे, आयंस बनेंगे। देखो हमने पहले क्या पढ़ा था, किस में पढ़ा था, हमारी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन में जब पढ़ा था, तो हमारा बॉन्ड कौन सा ब्रेक होता है, ये होता है, क्योंकि ये हमारा क्या हो जाता है, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा AH हमारा इधर चला जाएगा, AH हमारा इधर चला जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। दूसरे स्टेप में देखो क्या होगा, दूसरे स्टेप में आपको ये उठाना है, यहां से क्या करोगे दूसरे स्टेप में, ये CH3 हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड हो। इस बार भी आपको क्या करना है, दो H मिलाने हैं। प्रेजेंस आप एक बार ले चुके हो, इसमें क्या करोगे बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहां से क्या बन जाएगा CH3 CH2 OH, CH3 CH2 OH, या आप इसको क्या बोल सकते हो C2H5 OH। एक C2H5 OH इधर आ गया, दूसरा OH इधर आ गया, दूसरा C2H5 OH इधर आ गया, तो यहाँ से क्या हो गई आपकी ये रिएक्शन होती है कंप्लीट। नोट करिए, एक और रिएक्शन कराते हैं फिर। प्राइमरी अमीन से भी आप अल्कोहल बना सकते हो, कैसे बनेगी, प्राइमरी अमीन की रिएक्शन आप किसके साथ कराओगे, नाइट्रस एसिड के साथ कराओगे, तो भी आप अल्कोहल बना सकते हो। नाइट्रस एसिड आप सभी जानते हो क्या होता है, बहुत से नहीं भी जानते होंगे, उन्हें पता चल जाएगा। क्या लोगे, अमीन लोगे, अमीन क्या होता है, RNH2 होता है बेटा। कैसा लेना है, प्राइमरी अमीन लेना है, यानी कि यहाँ पे क्या लेना है RH2। जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ। नाइट्रस एसिड क्या होता है हमारा, HNO2। इसकी रिएक्शन जब आप करोगे तो यहाँ से आप क्या प्राप्त कर सकते हो, यहाँ से आप अल्कोहल प्राप्त कर सकते हो। कैसे करोगे, इसको आपको डिसोसिएट करना है, फिर यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करना है, फिर उसके बाद आपको अल्कोहल बनेगा। कितना लंबा प्रोसेस है, देखो छोटा सा है। अल्कोहल ब्रेक करो, नाइट्रस एसिड ब्रेक करो पहले, अल्कोहल तो तब बनेगा। ये कैसे ब्रेक होता है, OH में और NO में ब्रेक होता है, जानते हो आप सभी ये बात, OH में और NO में ब्रेक होता है। अब यहां से देखना, ध्यान से देखना आगे क्या होगा, ध्यान से देखना, यहां पर हमारा ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट होगा, ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट होगा। OH कैसा होता है बेटा, माइनस होता है, NO प्लस होता है। ये हमारा कहाँ जुड़ जाएगा, इधर जुड़ जाएगा, आकर इधर जुड़ जाएगा, इधर जुड़ जाएगा बेटा। ये बॉन्ड डिसोसिएट यहाँ पर इस तरीके से दिखाया गया है कि यहाँ पर ये ऐसा और यहाँ पर ये ऐसा। ऐसा क्यों दिखाया गया है बेटा, ये हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ROH तो यहाँ से बन गया, बाकी जो हमारे बच्चे हैं उन्हें भी तो अरेंज करने हैं, उन्हें ऐसे ही छोड़ दोगे, ऐसे ही नहीं छोड़ा जाएगा कुछ भी। देखो यहाँ पर हमारा क्या है, NH2 है, और यहाँ पर क्या है हमारा, NO है, NH2 और NO। तो देखो यहाँ से N और N तो हमारे क्या होंगे, एक साथ चले जाएंगे, ध्यान से देखना, N और N यहाँ पर क्या होंगे, एक साथ चले जाएंगे, N2 गैस के रूप में बाहर निकल जाएंगे, नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर, और यहाँ से H2 और ये वाला O एक साथ निकल जाएगा वाटर की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में, क्लियर है। यहाँ से आप अल्कोहल बना सकते हो। एक और मेथड है इसका, नोट करिए बेटा पहले इसको फटाफट, या आप यहाँ से क्या ले सकते हो, यहाँ पर आप एक ग्रुप देती हूँ मैं आपको, आप तभी करोगे इसको। इसकी रिएक्शन करना किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ, करिए नोट। देखो नेक्स्ट है इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, आप इसको बना सकते हो पार्शियल ऑक्सीडेशन करके, यानी कि पूरी तरह से ऑक्सीडेशन नहीं, आंशिक ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन करके आप इसको बना सकते हो। किसका ऑक्सीडेशन करना है आपको, एल्केन का। अब देखो मैं आपको एक वजह बताती हूँ कि इसमें हम पार्शियल ऑक्सीडेशन क्यों करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी रिएक्शन के टाइम पे। पहले हम क्या करेंगे, अपना ऑक्सीडेशन करेंगे, किसका, एल्केन का। हम क्या लेंगे, RH यानी कि एल्केन लिया, इसका क्या करेंगे, ऑक्सी
ऑक्सीडेशन, हमने ए को दिया है। अब इसका ऑक्सीडेशन हम करेंगे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, जैसे हमारा क्या होता है मॉलिब्डेनम होता है, मॉलिब्डेनम और हमारा क्या होता है हमारा एक एल्कलाइन KMnO4 होता है, मॉलिब्डेनम ले लेते हैं MO, मॉलिब्डेनम होता है, इसकी प्रेजेंस में जब आप क्या करोगे इसका ऑक्सीडेशन, तो यहां से क्या बनेगा ROH बन जाएगा, यहां से क्या बन जाएगा ROH बन जाएगा। अब इसमें मैं आपको बताती हूँ कि हमने ऐसा क्यों नहीं लिया, मतलब हमने पार्शियली ऑक्सीडेशन क्यों किया। बेटा पार्शियली ऑक्सीडेशन हमने इसलिए किया है क्योंकि अगर हम अधिक मात्रा में ऑक्सीजन लेते ना तो यहाँ से एल्डिहाइड और कीटोन बना सकता था, क्या बना सकता था एल्डिहाइड बना सकता था, कीटोन बना सकता था, और फिर एल्डिहाइड और कीटोन जब बन जाते हैं ना आप बिना उसका रिडक्शन करे आप उससे अल्कोहल नहीं बना सकते, तो इसलिए हमने क्या किया है पार्शियली ऑक्सीडेशन किया है। क्लियर है? यहाँ पर आप क्या कर सकते हो एग्जाम्पल के रूप में CH4 ले सकते हो, इसका आप क्या करोगे इसका आपको ऑक्सीडेशन करना है, किसकी प्रेजेंस में करोगे मॉलिब्डेनम की प्रेजेंस में करोगे, या फिर आप क्या ले सकते हो एल्कलाइन मीडियम में KMnO4 ले सकते हो। तो यहां से क्या बन जाएगा CH3OH बन जाएगा, क्या बन जाएगा CH3OH, किस तरीके से बनेगा इस तरीके से बनेगा, यहां पर हमारे क्या हो जाते हैं H। और बेटा यहीं पे इस रिएक्शन के साथ हमारे कंप्लीट होते हैं क्या चीज हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब इसमें आपका एक सवाल है, बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि मैम स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो क्या बनाओ, कि मैम आपको एक यूनिट करानी है जो सबसे पहले दी हुई है हमारी, स्पेक्ट्रोस्कोपी करानी है आपको। अब बेटा देखो इसमें एक छोटी सी बात है, पेपर में तो आपका सारा ही आना है, पहले आप कोई सा भी कराओ स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है आपकी वो इतनी बड़ी यूनिट नहीं है, जो हमारे अल्कोहल है बहुत मेन टॉपिक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, तो आप इसको कर लीजिए, कराई जाएगी वो भी, आपका कोई भी टॉपिक कोई भी आपकी यूनिट नहीं छोड़ी जाएगी, सब चीज़ें आपको कराई जाएंगी। और इसमें आपको क्या करना है, इसमें अगर आपको आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_india। कल इसमें हम स्टार्ट करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे कल, थैंक यू सो मच।